दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री मुरलिका राजाराम पेटकर, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, सामान्य परिषद राज्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक गण, अधिकारी एवं कर्मचारी, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियां, स्पर्श विद्यालय से आए हुए प्यारे बच्चे, पांच गांव से आए हमारे प्यारे बच्चे उपस्थित अन्य महानुभाव छात्र छात्राएं, देवी और सज्जन, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का एक 11वां दीक्षांत समारोह और एक दीक्षांत समारोह में जो उपाधि हासिल की है, प्राप्त की है, सभी पदक प्राप्त विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी पदक प्राप्त विद्यार्थियों का जब मैंने लिस्ट देखा तब इसमें लगभग 10 से 12 दिव्यांग जन को कहीं ना कहीं अवार्ड मिला। मैंने सोचा कि ये सामान्य स्टूडेंट्स और दिव्यांग दोनों की मिश्र यूनिवर्सिटी है और इसी वजह से मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग और दिव्यांग जन की जो पढ़ाई होती है एक साथ होती है तो सही है और होनी भी चाहिए, वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को मिले, एक दूसरे से संवाद करें, अच्छी अच्छी क्वालिटी हासिल करें, एक साथ रहे, हैबिट देखे एक दूसरे की, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम अवार्ड की तरफ करते हैं तब मुझे लगता है दिव्यांग जनों के लिए अवार्ड अलग होना चाहिए और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अवार्ड अलग होना चाहिए। क्योंकि उनकी जो परीक्षा, उनकी जो गवर्नमेंट में या तो कहीं ना कहीं जॉब मिलती है वो भी अलग होती है ना, उसका मेरिट अलग ही रहता है। सामान्य लोगों के साथ उनकी मेरिट एक साथ नहीं रहती है और इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको कि नेक्स्ट ईयर आपको अलग मेरिट बनाइए और अलग से सामान्य वर्ग का हो और उसको दिव्यांग जनों के लिए अलग हो। कई दिव्यांग जनों के साथ उसके अभिभावक भी आए थे, सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भी उनके अभिभावक आए थे और मैं चाहती हूँ कि जो एक कार्यक्रम होता है इसमें एक आनंद और गौरव का विषय होता है कि अपने बच्चों को गोल्ड मेडल या रजत मेडल या कांस्य पदक मिलता है। ये जो खुशहाली है वो देखने के लिए भी अभिभावक उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि अथक मेहनत उनकी होती है। सामान्य वर्ग के बच्चों का पालन पोषण करना एक अलग बात है और दिव्यांगजन बच्चों के लिए, रस्सी बाधित विद्यार्थियों के लिए पालन पोषण करना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, सुलाना ये अलग बात होती है। तो सबसे ज्यादा मेहनत ऐसे बच्चों के पीछे माता पिता को करनी पड़ती है और इसी वजह से उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने अपने बच्चों के अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है इसका ही परिणाम है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को फिर से मैं बधाई देती हूँ। आज 159 पदक छात्र छात्राओं को दिए गए हैं और ये सभी यूनिवर्सिटी की डिग्री या तो यूजी पीजी की जो डिग्रियां है वो आज डिजी लॉकर में ऑनलाइन की गई, अपलोड की गई है। ये इसी वजह से होना चाहिए
कि बार बार डिग्री या तो अंक तालिका लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके घर बैठे ले सकते हैं। अब इसे अंक तालिका डाउनलोड किया ना, जो अपलोड किया है अंक तालिका, अभी मैंने सभी यूनिवर्सिटियों को कहा है कि डिग्रियों के साथ साथ अंक तालिका भी उपलब्ध कराएं डिजी लॉकर में। यदि आपने नहीं किया है तो आपके पास काफी समय है, ये सभी बच्चों का अंक तालिका भी डिजी लॉकर में समावेश किया जाएगा। और सिर्फ इसी साल का नहीं, धीरे 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 करके जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई या तो इससे पहले कॉलेज थी तब से लेकर सभी डिग्रियां या तो सभी अंक तालिका आप 3-4 महीने में अपलोड कर दो। सब ऑनलाइन होना चाहिए, अभी ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है और इतने हम आगे बढ़ चुके हैं कि स्वयं अपने मोबाइल पर सब कुछ हम देख सकते हैं। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटी को मैंने ये कहा है कि आपकी डिग्रियों और आपकी अंक तालिका ये सभी ऑनलाइन हो डिजी लॉकर में। दूसरा, समर्थ पोर्टल, क्या स्थिति है भाई आपकी यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल, नाम सुन दिया है समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है मित्रों जो भारत सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से बनवाया है। यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जितनी हम प्रोसेस करते हैं, चाहे विद्यार्थियों का एडमिशन हो, चाहे विद्यार्थियों की परीक्षा हो, परीक्षा फल परिणाम हो, अंक तालिका हो, आपके लेक्चर है या तो विभाग अध्यक्ष है, सबकी सैलरी हो, आपका प्रमोशन हो, ये सभी समर्थ पोर्टल में है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी अभी अपना काम समर्थ पोर्टल से ही कर रही है। और एक निर्णय इसी वजह से लिया गया है, कई यूनिवर्सिटी ने समर्थ पोर्टल का जितना 52 प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है। आपके यहाँ कितने अध्यापक हैं, आपके यहाँ कितने कार्यरत टीचर्स हैं, कितने कार्यरत माली हैं, कितने प्यून हैं, कितने वो हैं, ये सब ऑनलाइन है। और ये करना है और ये करना पड़ेगा आपको। और मुझे मैंने कहा है और आपको मैसेज मिला होगा कि आने वाले 2 महीने में जितने यूनिवर्सिटी है, 34 यूनिवर्सिटी है, सब समर्थ पोर्टल पर मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। समर्थ पोर्टल एडमिशन का काम, परीक्षा का काम, परिणाम का काम, फी लेने का काम, ये सब आईटी कंपनियां करती थी। आईटी कंपनियां गलतियां इतनी करती थी कि आपको बार बार आपका नाम गलत तरीके से लिखा हुआ तो सुधार करने के लिए आना पड़ता था, अंक में अंक गलत लिखा तो ये सुधार करने के लिए आना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब आप आते थे तब ये कहा जाता था 500 रुपया फी भरो, 1000 रुपया फी भरो, बराबर है। और 1.5 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना, आपका एडमिशन वहां चालू हो गया, एक गड़बड़ी का एक गड़बड़ियों को हमें समाप्त करना है, गड़बड़ियां हमें समाप्त करना है। और इसके पीछे आईटी कंपनियों के पीछे राज्य सरकार और साथ साथ में यूनिवर्सिटियां 200 करोड़ रुपए का खर्च करती थी। मैंने 200 करोड़ रुपया समाप्त कर दिया है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप करिए, जो थोड़ा सा खर्च होगा तो केंद्र सरकार को हम दे देंगे। आईटी कंपनियां का जो घोटाला था इसलिए आपकी परेशानी और मैं जब इधर आई तब मुझे पता चले एक साल के बाद लगभग 20 लाख डिग्रियां
अलग अलग कॉलेजों में पढ़ी हुई थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी, क्योंकि ये मैंने कहा है 100 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए तो ही डिग्री मिलेगी। मैंने आदेश किया अभी स्टूडेंट के पास से 1 रुपया नहीं लेना है, फ्री में बांट दो सबको। तो तुमने बांट बिचौलिया तक घुस जाते थे उनको हमें दूर करना है और एक स्वस्थ शैक्षणिक परिवार वातावरण बनाना है। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री मुरलीकांत राजा पेटर जी, मैं स्वागत करती हूँ, नमन भी करती हूँ। इतने काम करके आए हैं, पढ़ा तो था लेकिन आज उनके दर्शन हुए। पेंटर ने 1972 में जर्मनी में आयोजित पैरालंपिक में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में एक नए विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मुझे बताया गया कि अभी तक ये रिकॉर्ड किसी ने भी तोड़ा नहीं है। और सबसे पहला भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। शुरुआत की इनके द्वारा माननीय सेना, भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दी जा चुकी है तथा भारतीय सेना के महत्वपूर्ण सम्मान रक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जब सेना में थी तब 3 गोलियां लगी थी, 9 गोलियां लगी थी, 9 गोलियां लगी थी, फिर भी जीवित है। देखो जीवित है, नहीं है सक्रिय जीवित है, काम कर रहे हैं। इनके जीवन वृत्तांत पर आधारित फिल्म चंद्र चैंपियन भी बनाई गई है, देखा है लोगों ने? अब नहीं देखा तो इन्हीं वर्ष दिखाए, इन्हीं वर्ष जीवन दिखाओ सबको। वहां दिखाया चाहिए कि दृष्टिबाधित हो या कोई भी हो, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका एक उत्तम एग्जाम्पल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि विश्व को बेहतर दिव्यांग समावेश बनाने हेतु दिव्यांगजनों के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हमें प्रयास करने चाहिए। दिव्यांगजनों के भीतर प्रकृति प्रदत्त एक विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मकता होती है, कुदरत देती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महान ऋषि अष्टावक्र की परिकल्पना और सुंदास के सैकड़ों पद आज भी हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। ये भी एग्जाम्पल है हमारे सामने। उन्हें जब भी अवसर मिलता है ये उसे 100% परिणाम में बदलते हैं तथा अपनी अद्वितीय आंतरिक क्षमता एवं प्रतिभाओं से हमें अचंभित करते हैं। इनकी प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। शिक्षा, खेल व समाज के अन्य विविध क्षेत्रों में इनकी प्रतिभाओं ने देश विदेश में अपनी वैश्विक पहचान स्थापित की है। भारत की प्रगति एवं विकास में दिव्यांगजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भारत पारा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजनों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने हेतु स्पेशल ट्रेनिंग लेकर पैरा ओलंपिक व अन्य स्पर्धा हेतु खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगों के खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाए जाने हेतु प्रयासों से उनके आत्मविश्वास को बल मिलता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही संपन्न हुए पेरिस पैरा
ओलंपिक में इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 29 पदक के साथ अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया। मैं सबको बधाई देती हूँ। 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। कल सभी जो 29 पदक प्राप्त किए सभी छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री जी को मिले। आपने देखा है दृश्य, आपने देखा है दृश्य, प्रधानमंत्री जी किस तरह उनसे मिलते हैं और किस तरह हमारे बच्चों ने उनको अपना मेडल पहनाया। प्रधानमंत्री जी को मेडल पहनाए, हमारा मेडल आप पहन लीजिए। और ये मेडल वैसे नहीं, जिसने पहनाया वो एकदम हाई कम थी, तो प्रधानमंत्री स्वयं नीचे बैठ गए और उससे पदक पहनाया और बोले, प्रधानमंत्री ये देखो आज आप मुझसे भी बड़े हो गए, मुझसे भी बड़े हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नीचे बैठे और वो खड़ा था तो उसकी हाइट भी। तो ये है मित्रों, दिव्यांगजनों के साथ बड़े लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बातें करते हैं और किस तरह उसको प्रोत्साहित करते हैं, ये प्रधानमंत्री से देखने की जरूरत है मित्रों। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि हमारे राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वे अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों को बधाई देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अभी बताया पेड़कर जी ने, कोच अच्छे नहीं है, वो विद्यार्थी तो अच्छे है लेकिन कोच अच्छे नहीं है। जरा आप देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में कोच है और कोच है तो बराबर है कि नहीं है, या तो प्रावधान है कि नहीं, टीचर का होता है नहीं, कोच का तो नहीं होता होगा शायद, पांच है। अब ये कोच बराबर है कि नहीं, जरा उसका पैरामीटर बराबर है नहीं, ये जरा देख लीजिए मित्रों। उनका सर्वश्रेष्ठ होगा तो स्टूडेंट्स को ही सर्वश्रेष्ठ होगा, ये देख लेना चाहिए मित्र आपको। यह तब संभव हो पा रहा है जब आज खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जा रही है। ये केवल खेल में देश की नीतियों का परिणाम ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो देश अपने युवाओं पर करता है मित्रों। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह साबित किया है कि दिव्यांगता कभी भी उपलब्धियों के आगे बाधा नहीं बनती है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है और हिम्मत सफलता और शोहरत तक पहुंचाती है। इन्होंने अपने प्रदर्शन से यह सीधा दिखाया है कि कड़ी मेहनत दृढ़ संकल्प से किसी भी मुकाम तक पहुंचना संभव है। भारत सरकार के आम बजट में दिव्यांगजन हेतु इस बार 1225 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मैं यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए जो 1225 करोड़ का आवंटन किया है, इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट रखा गया है, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी अपना प्रोजेक्ट तैयार करे। जो इधर नहीं है वो मांग के लिए वहां जाना चाहिए, प्रोजेक्ट तैयार करके वहां भेजना चाहिए और इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी भी वहां जाए, समझाए और ये प्रोजेक्ट लेकर आए और इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को हो, ये करना चाहिए मित्रों। क्योंकि मैं तो 20 साल तक गुजरात में रही हूँ मित्रों, कई डिपार्टमेंट संभाले हैं, लेकिन जो हम समय पे ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके भारत सरकार को या तो राज्य सरकार को नहीं देते हैं, तो फरवरी महीने में सरकार उसकी समीक्षा करती है तो हम लोगों ने जो बजट दिया था इसका कितना उपयोग हुआ, कितना बाकी है, और जो बाकी हुआ वो बजट सरेंडर करना पड़ता है सरकार को। और कई ऐसे डिपार्टमेंट मैंने देखा था गुजरात में कि जो लगभग 50% 60% बजट का उपयोग कर सकते थे, बाकी 30-40% बजट का उपयोग ही नहीं होता था और वो सरेंडर कर देते थे। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि सभी SES मंत्री
कुलपति ये सब मिलकर कितना बजट रखा था, कितना इसका उपयोग हुआ और सही ढंग से उपयोग हुआ, फायदा हुआ, ये सब देखना पड़ता है मित्रों। तब जाकर विद्यार्थियों को राज्य सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, ये योजना ये स्टूडेंट्स तक पहुंचता है, नहीं तो फाइलों में दब जाती है और मार्च महीने तक दबाए रखते हैं और फिर कहां गया पता ही नहीं चलता है मित्रों। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन को सहायक उपकरण खरीदे, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, शैक्षणिक सहायता दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति तथा उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों पर उपलब्ध कराने के माध्यम से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इसमें इतनी योजनाएं, ये योजनाओं का लाभ ये विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज ये आंगनबाड़ी केंद्र को भी 200 आंगनबाड़ी केंद्र को, इसमें 100 आंगनबाड़ी केंद्र को ये यूनिवर्सिटी ने दिया है, जो आपने देखा स्टेज पर बच्चों को बैठने के लिए चेयर, लिखने के लिए टेबल, खेलने के लिए अलग साधन, साइकिल, ये सब उनको दिया गया है बच्चों, कि जिसकी वजह से बच्चे आंगनबाड़ी में भी अच्छी तरह से लिख पाए, सीख पाए और कलर आकार ये सब कुछ वो देखे और समझे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। और 100 की जिला प्रशासन लखीमपुर खीरी द्वारा दिया गया है, मतलब लखीमपुर खीरी में 200 आंगनबाड़ी को आज ये किट मिली है और मैं अपेक्षा करती हूँ हमारी कार्यकर्ता को इसका सही ढंग से उपयोग करके मित्रों। इसी तरह जो गांव गोद लिए गए हैं, ये गांव में भी वहां के बच्चों की स्पर्धा हुई, खेल स्पर्धा हुई होगी, पेंटिंग की हुई, स्पीच की हुई, स्टोरी टेलिंग की हुई और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ काम जिसने किया है उनका आज सम्मान किया गया है मित्रों। ऐसे सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। प्राइमरी स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो या यूनिवर्सिटी हो, ये सबके बीच में सेतु होना चाहिए मित्रों। वो अलग काम करे, आप अलग काम करो, प्राइमरी स्कूल अलग काम करे, एक दूसरे को कोई परिचय नहीं हो या तो एक दूसरे को हम मदद भी न करें, इससे फायदा नहीं होने वाला है। यही बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी के धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं और इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी भी गांव तक पहुंचे, आंगनबाड़ी तक पहुंचे और वहां जाकर देखे कि क्या कमियां हैं और ये कमियां दूर करने के लिए जितना हो सके इतना प्रयास करें और इस प्रयास की अपेक्षा है मित्रों। इसी तरह हम लोगों ने एक हेल्थ किट बनाई है, राजभवन द्वारा बनाई गई है और इसमें सब कुछ है। जब कोई बच्चा खेलता है और खेलते समय उस पर कुछ लहू निकला, कुछ पैर में मोच आ गई, कुछ वो हो गया, कुछ वो हो गया, बच्चे आए शर्ट है लेकिन बटन नहीं है, बच्चे आई लेकिन बात ठीक ठाक नहीं है, तो ये सब ठीक ठाक हो ऐसी सारी सामग्रियां इसमें रखी गई हो। इसमें बटन भी है, दोरा धागा भी है, इसमें साबुन भी है, इसमें टॉवल भी है और मैं चाहती हूँ वहां के प्रशासन को कहती हूँ कि आप धीरे धीरे करके समाज के उपयोग, समाज की भागीदारी से ऐसी किट बनवाइए और हर आंगनबाड़ी में एक किट भिजवाइए मित्रों। बच्चे बीमार हो जाते हैं मित्रों, माँ तो ध्यान रखती नहीं क्योंकि वो खेतों में पड़ी रहती है, काम करने के लिए गई है, तो इसकी देखभाल, उसके आंख में कुछ गड़बड़ है तो वो अभी ड्रॉप है अंदर तो डाल दीजिए आप लोग, डॉक्टर ने ही ड्रॉप दिया है, तो ये जो काम है ना तो आंख ज्यादा बिगड़ेगी नहीं और स्वच्छ हो जाएगी मित्रों। तो ऐसे काम इसमें हुए हैं और ऐसे बच्चों को भी यूनिवर्सिटी ने कुछ न कुछ दिया है, खाने का भी दिया है, पढ़ने के लिए बुक भी दी है और इसमें स्वीट वगैरह भी दिया गया है मित्रों। और मैं ये सभी टीचर्स को कहती हूँ इसका मैक्सिमम उपयोग करिए और बच्चों को बुक्स भी दी गई है,
जो बुक्स मुझे दी जाती है वो बुक्स को हम स्क्रिप्टिंग करते हैं और इसमें से जितनी स्कूल इधर आती है इनको 50, 100, 150 बुक्स, जब स्टोरी बुक्स भी होती है, पेंटिंग की बुक्स भी होती है, काव्य गान भी इसमें होता है, ये बच्चों के लिए है और ये आपके यहाँ लाइब्रेरी में रखनी है और उस पर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा रूपी ज्ञान योजना का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर समाज के बुनियादी मूल्य यथा मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य का पालन, सामाजिक सहिष्णुता, वंचितों का सम्मान, जीवन में ईमानदारी आदि गुणों को भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता है। इतना मूल्यवान है। एक शिक्षक का दायित्व है कि वे ऐसे विद्यार्थियों का सृजन करें जो मानवता एवं वसुधैव कुटुंबकम के गुणों को अवधारित करते हुए वैश्विक नागरिक के चरित्र का निर्वहन करें। आज हम जातियों में बांट रहे हैं मित्रों और हमारा मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन आज हम परिवार को बांट रहे हैं मित्रों, जातियों में भेदभाव कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है मित्रों, ये सही नहीं है। सब कुछ हम सब भारत माता के संतान हैं, भले अलग अलग समाज में हम जन्मे लेकिन है तो धरती माता से कुख में से निकले हैं और इसी वजह से ये भेदभाव जो बड़ों में होगा तो ये भेदभाव छोटे बच्चों में भी आएगा। और ये भेदभाव शिक्षा के माध्यम से हम मिटाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम मिटाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से भी मिटने वाला है कि नहीं मुझे पता नहीं है मित्रों, जिस तरह मैं देख रही हूँ। विश्व के देशों इधर आकर ये सीख रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है क्या, आप किस तरह परिवार में रह रहे हैं, किस तरह माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, किस तरह जॉइंट फैमिली है मित्रों जो वहां नहीं है। इतने गुण वाले हम लोग हैं फिर भी मन में जो पड़ा हुआ है जाति, वो तो जाति नहीं है। और ये युवाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ मित्रों, आप जाति में मत पड़िए, सिर्फ एक ही संकल्प रखिए आगे बढ़ने का, बस जो क्वालिटी आप में है एक क्वालिटी को पहचानिए और पहचानने के बाद परिश्रम करिए। आपके सामने सपने रखिए, मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं पहुंचना है मित्रों। पढ़ाई करके, समझ कर, साहस करके, संकल्प करके हमें आगे बढ़ना है। वो ही आज का दिन का दीक्षांत समारोह का मूल पॉइंट है मित्रों। हम एक ऐसे देश की धरती से संबंध रखते हैं जो ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक है। भारत के सदियों से विश्व को ज्ञान की दिशा दिखाई है और आज भी यह देश विश्व के लिए एक ज्ञान का केंद्र है। फाइनल जैसे महान व्यक्ति ने 62 वर्ष की उम्र में पैदल चलकर भारत की यात्रा की। क्यों आए भारत? विनय पट्टिका लेने के लिए। विनय पट्टिका एक ऐसी बुक थी जो चाइना में थी, हमारे यहाँ से गई थी, लेकिन इसमें डिसिप्लिन के माध्यम से भारत किस तरह काम कर रहा था ये इसमें सब कुछ लिखा गया था। फाइया ने देखा तो चाइना में मिला लेकिन टूटा फूटा था, पढ़ नहीं पाया, तो उसने सोचा कि वो भारत में ही मिलेगा। अब चाइना से निकलकर भारत हिमालय की चोटियों को पार करते हुए भारत में आना और ये पट्टी का ढूंढना कितना परिश्रम किया है। 3 साल निकले भारत पहुंचते तक, हिमालय पर्वत पर पैदल चले मित्रों और बिहार पहुंचे, बिहार में ढूंढे जितने बौद्ध संस्था
स्थान थे वहां, लेकिन एक जगह पर से उन्होंने विनय पट्टिका प्राप्त की। ये अच्छी स्थिति में थी लेकिन लिखी थी संस्कृत में, तो वह पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन हौसला बुलंद था कि मुझे लेकर ही जाना है, तो बाहर के वो संस्कृत पढ़े सीखे, और 3 साल पढ़ने के बाद 3 साल में उसका भाषांतर किया चाइनीज भाषा में, और भाषांतर करने के बाद वो बुक लेकर पैदल चलते हुए चाइना पहुंचे। ये कमिटमेंट है, और ये भारत है, ये भारत है, भारत का ज्ञान का समुद्र है मित्रों, और ऐसे भारत में हम रहते हैं। नालंदा तक्षशिला के बारे में हम जानते हैं मित्रों, विशेषता प्रक्षमताओं के साथ हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें अवसर प्रदान करने के हमारा समाज अधिक समावेशी और मजबूत बन सकता है। हमें उन्हें समर्थन और सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। भारत के विकास में दिव्यांगजनों का योगदान अतुलनीय है। वे हमारे देश की विविधता समृद्धि को बढ़ाते हैं और हमें गर्व से भरते हैं। अंत में मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बधाई देती हूँ और विश्वविद्यालय के सपाटीय शिक्षा को संपन्न बनाए रखें। और एक बात मैं ये कहूंगी, आपके पास प्रेस है, प्रेस का कितना उपयोग हो रहा है, इसी तरह इसका उपयोग करना चाहिए कि इनकम जनरेट, और जो स्टूडेंट इसमें काम करता है उसको भी कुछ मिले, उनको कुछ मिले वहां काम करे। इसका प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आप बनाएंगे मित्रों। और लास्ट नए एक्रेडिटेशन के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया था लेकिन इसमें हम सफल नहीं हुए। ये सभी हमारे अध्यापक बैठे थे, एक दो बार ट्राइब ओवर में आए थे मित्रों, लेकिन इसके बाद जो काम आगे बढ़ाना चाहिए वो आपने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये मोरे तक तो नहीं पहुंचा है। और मैं चाहती हूँ कि अब नेक का काम तो समाप्त हो चुका है, आपको अलग तरीके से जो बाइनरी आ रहा है इसमें जाना पड़ेगा, तो आप तैयारी करिए मित्रों ने बाइनरी के लिए और दूसरा NRIT के लिए। मित्रों हमारी क्वालिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं मित्रों, यूनिवर्सिटियों को तो दिखाना ही पड़ेगा मित्रों। तो NRIT के लिए तैयार होइए और बाइनरी के लिए तैयार होइए और बैठिए विषय के साथ, और वो विषय है मैंने भेजा है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी को देख में AWS का लिखा है। तो मैं चाहती हूँ यही यूनिवर्सिटी पीछे न रहनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी भी आगे आए इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी है इसका मैक्सिमम उपयोग करके NRIT और बाइनरी में हम आगे बढ़े, वही अपेक्षा है आपके पास। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शुभ आशीष मांगे।
कर एवं उनको शिक्षित प्रशिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 सितंबर 2008 को स्थापित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ समूचे विश्व में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराता एशिया का एक ऐसा विशिष्ट विश्वविद्यालय है जहां दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ पठन पाठन की व्यवस्था और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्व समाज समावेशी शिक्षा के लिए किया, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजनों के लिए हमारे विश्वविद्यालय में 50% सीटें एडमिशन में आरक्षित हैं और उसमें से भी 50% हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। हमारे विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण है, वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं और एक ही कक्षा में सामान्य विद्यार्थी और हमारे दिव्यांगजनों के दृष्टिबाधित स्वर्ण बाधित और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज विद्यार्थी एक साथ ही पढ़ते हैं। ये अपने आप में विशेष और अनूठा प्रयोग है जो हमारा विश्वविद्यालय करता है। इसी क्रम में मैं आप सब जो अपने विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षकगण हैं, कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं और विद्यार्थीगण हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब एक साथ मिल के विश्वविद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दें और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों को लेकर चलें। दिव्यांगजनों के अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा हेतु भारत में पहली बार निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में अस्तित्व में आया। इसी वर्ष दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को भारत के माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार 2014 से पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 8 संकायों 2 संस्थानों के अधीन कुल 33 विभाग संचालित हो रहे हैं, जिसमें 4,398 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विश्वविद्यालय द्वारा समूचे उत्तर प्रदेश में 16 महाविद्यालयों संस्थानों को संबद्धता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय एवं समस्त विद्यालयों में कुल मिलाकर लगभग 5,682 विद्यार्थी अध्ययनरत है। भाषा, कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विधि विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला एवं प्रदर्शन कला, पैरा मेडिकल रिहैबिलिटेशन साइंसेस, विशेष शिक्षा आदि संकायों एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा भेषज विज्ञान संस्थानों के अनेक पाठ्यक्रमों में ज्ञान एवं विज्ञान के नित नई खोजों से समृद्ध शिक्षकगण कक्षाओं में ब्रेल लिपि एवं संकेत भाषाविद सहयोगियों का सहारा लेते हुए मूक बधिर एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें सिखाते पढ़ाते हैं। धरती के गर्भ में दबी कुचली अतीत की स्मृतियाँ, उनकी जीवन गाथाओं के चिन्ह प्राचीन इतिहास विभाग का संग्रहालय विश्वविद्यालय में स्थापित ब्रेल प्रेस के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अध्ययन को सुगम बनाने हेतु ब्रेल लिपि में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में टॉकिंग बुक स्टूडियो के द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ध्वनि आधारित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांगजनों को निःशुल्क अंग प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा अब तक 3,950 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 1 रजत 2 कांस्य पदक, इजिप्ट में आयोजित इजिप्ट इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 1 रजत पदक, थाईलैंड में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 रजत 2 कांस्य पदक, स्पेन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 रजत 2 कांस्य पदक, युगांडा में आयोजित इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीतकर विश्वविद्यालय एवं देश का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय के MBA की छात्रा मनप्रीत कौर ने एशियन गेम में 1 बार और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार खेलने के बाद पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में देश का प्रतिनिधित्व किया।
विश्वविद्यालय में स्थापित स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में 85 कंप्यूटरों से सुसज्जित लुई ब्रेल कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है, जिसमें जॉस सॉफ्टवेयर एवं कीबोर्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से 20 विशेष कंप्यूटरों द्वारा मुद्रित पुस्तकों को 146 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ध्वनिकृत किया जा रहा है। अपनी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति और गुणवत्ता परक शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर निरंतर विकसमान रहने का संकल्प लेकर नित नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम की अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महोदया को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं पुनः कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री मुरलीकांत राजाराम बेटकर जी को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे समारोह में उपस्थित श्री नरेंद्र कश्यप माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं पुनः कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे समारोह में उपस्थित श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। प्राचार्य T.S. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। T.S. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं सत्र 2023-24 के T.S. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है जो इस विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी तथा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी एवं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन की उपाधि हेतु उपयुक्त पाए गए हैं। मैं इन्हें उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। प्राचार्य T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं सत्र 2023-24 के लिए T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है जो इस विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की उपाधि हेतु उपयुक्त पाए गए हैं। मैं इन्हें उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। प्राचार्य T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं सत्र 2023-24 के लिए T.S. मिश्रा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है जो इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एवं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की उपाधि हेतु उपयुक्त पाए गए हैं। मैं इन्हें उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि के योग प्रमाणित करने की महती कृपा करें। सभी संकायों के उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आप सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को संबंधित संकाय के अधीन उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि आप जीवन
और आचार में अपने को इस योग सिद्ध कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष महोदया की नव विकसित विशिष्ट विधा के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। विद्यार्थी के निमित्त उनकी डिग्री को सरल व सुगम पहुंच को नव तकनीकी डिजी लॉकर के माध्यम से प्रभावी रूप से क्रियाशील करते हुए निःशुल्क रूप से घर बैठ इस विधा का उपयोग कर समय व श्रम दोनों को बचाते हुए अपने शैक्षिक उन्नयन की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। मैं आज के समारोह की अध्यक्ष विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष महोदया से डिजी लॉकर में उपाधियों का समावेश किए जाने हेतु अनुरोध करती हूँ। माननीय कुलाध्यक्ष महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलाध्यक्ष महोदया। करें विद्यार्थीगण, माननीय कुलाध्यक्ष महोदया के कर कमलों से पदक प्राप्त करने के पश्चात मंच की दूसरी ओर से स्थान ग्रहण करेंगे तथा दिव्यांग विद्यार्थी मंच की दूसरी ओर खड़े होंगे। तीन या तीन से अधिक मेडल प्राप्त विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी मंच पर आएंगे। माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से अनुरोध है, कुलाध्यक्ष स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। पीछे की लाइट बंद करा यार, पीछे से मार। आकांक्षा मिश्रा, एमएससी सांख्यिकी, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। शिवांश कुमार चौबे, बीटेक, कुलपति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री ललित पवन, कुलाध्यक्ष नासी। तेजस कनौजिया, एमए इतिहास, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। शिवानी अग्रवाल, एमबीए, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। निष्ठा दीक्षित, एमकॉम, कुलपति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री रजत पदक। वैभव साहू, बीबीए, कुलपति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री नाथ पदक। शिवांशी साहू, बीएड विशेष शिक्षा, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। गुरुहरि, बीएड विशेष शिक्षा, कुलपति स्वर्ण पदक, संस्कृति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री रजत पदक। सुवाद अजीज, बीएड विशेष शिक्षा, कुलपति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री कांस्य पदक। प्रिया सिंह, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, कुलपति स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री रजत पदक। साक्षी कटियार, एमएससी सूचना प्रौद्योगिकी, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। श्वेता तिवारी, बीकॉम एलएलबी, मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक। संजीता विश्वकर्मा, बीए, कुलपति स्वर्ण पदक। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, स्मृति स्वर्ण पदक। रोहित मित्तल, स्मृति पदक। राहुल कुमार, बीबीए पेंटिंग, कुलपति स्वर्ण पदक। हर्षित राज पांडे, एमए अर्थशास्त्र, कुलपति स्वर्ण पदक। विमल वर्मा, एमए हिंदी, कुलपति स्वर्ण पदक। श्री आलोक तोमर, स्मृति स्वर्ण पदक। इनकी माता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं।
सिद्धि मौर्य एम ए राजनीति विज्ञान, कुलपति स्वर्ण पदक, श्री मुलायम सिंह यादव स्वर्ण पदक। अनुष्का साहू एम ए समाजशास्त्र, कुलपति स्वर्ण पदक। चांदनी यादव एम ए अंग्रेजी, कुलपति स्वर्ण पदक। अंजलि मौर्य एम बी ए, कुलपति स्वर्ण पदक। आफरीन हुसैन वारसी एम एस डब्ल्यू, कुलपति स्वर्ण पदक। वैशाली गुप्ता एम ए शिक्षा शास्त्र, कुलपति स्वर्ण पदक। फरहानास बी कॉम, कुलपति स्वर्ण पदक। मान्या बी एस एस पी, कुलपति स्वर्ण पदक। अच्युत कृष्ण नारायण बीपीओ, कुलपति स्वर्ण पदक। तालियां सुनाई नहीं पड़ रही हैं। शुभम कुमार सिंह एमएड विशेष शिक्षा, कुलपति स्वर्ण पदक। मालती यादव एमएड विशेष शिक्षा, कुलपति स्वर्ण पदक। ज्योत्सना कुमारी एमएड विशेष शिक्षा, कुलपति स्वर्ण पदक। योगेंद्र कुमार दुबे एमजीओ, कुलपति स्वर्ण पदक। सुमति सिंह एमएससी भौतिक विज्ञान, कुलपति स्वर्ण पदक। कुमारी नेहा एमएससी रसायन विज्ञान, कुलपति स्वर्ण पदक। आयुषी मिश्रा एमसीए, कुलपति स्वर्ण पदक। आकांक्षा सिंह एलएलएम, कुलपति स्वर्ण पदक। प्रेरणा वर्मा बीटेक, कुलपति स्वर्ण पदक। शिवांगी राय बीटेक, कुलपति स्वर्ण पदक। हिमांशु श्रीवास्तव बीटेक, कुलपति स्वर्ण पदक। सौरभ कश्यप एमबीबीएस, कुलपति स्वर्ण पदक। अर्पिता त्रिपाठी बीएससी नर्सिंग, कुलपति स्वर्ण पदक। कपिल नागर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कुलपति स्वर्ण पदक। अनुज कुमार शर्मा बीएससी फिजियोथेरेपी, कुलपति स्वर्ण पदक। दीपक मुंजन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी, कुलपति स्वर्ण पदक। शिवांगी सक्सेना डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन, कुलपति स्वर्ण पदक। अलका शुक्ला एम ए इतिहास, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक, अमित गुप्तल स्मृति स्वर्ण पदक। सभी स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सामूहिक फोटोग्राफ के लिए मंच पर जल्दी से आ जाएं।
प्रियांशी बरोलिया एमए इतिहास मुख्यमंत्री रजत पदक कुलपति रजत पदक। राहुल गुप्ता एमएससी सांख्यिकी कुलपति रजत पदक मुख्यमंत्री कांस्य पदक। सृष्टि चौरसिया एमएससी सूचना प्रौद्योगिकी मुख्यमंत्री रजत पदक कुलपति रजत पदक। अन्वेषा चतुर्वेदी बीकॉम एलएलबी मुख्यमंत्री रजत पदक कुलपति रजत पदक। आकाश मिश्रा बीटेक कुलपति रजत पदक मुख्यमंत्री कांस्य पदक। राम अनुज बीए कुलपति रजत पदक। जयदिका गुप्ता बीबीए कुलपति रजत पदक। अनुप्रीत सिंह एमए अर्थशास्त्र कुलपति रजत पदक। नसीमा खातून एमए हिंदी कुलपति रजत पदक। सृष्टि वाजपेयी एमए राजनीति विज्ञान कुलपति रजत पदक। आकांक्षा एमए समाजशास्त्र कुलपति रजत पदक। अदिति सरोज एमए अंग्रेजी कुलपति रजत पदक। अवनीश कुमार भारती एमबीए पेंटिंग कुलपति रजत पदक। कुमारी पार्वती यादव एमएसडब्ल्यू कुलपति रजत पदक। मनोज सिंह एमए शिक्षा शास्त्र कुलपति रजत पदक। प्रिया राजपूत बीकॉम कुलपति रजत पदक। प्रिया चौधरी एमकॉम कुलपति रजत पदक। हर्षवर्धन दीक्षित बीबीए कुलपति रजत पदक। सोनालिका यादव एमबीए कुलपति रजत पदक। साक्षी यादव बीएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। रविंद्र कुमार सिंह बीएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। इंदु सिंह त्रिपाठी बीएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। महिमा सोनकर बीएसएलपी कुलपति रजत पदक। प्रीतु सिंह बीपीओ कुलपति रजत पदक। शक्ति मिश्रा एमएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। रेणु सिंह एमएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। पूजा एमएड विशेष शिक्षा कुलपति रजत पदक। अंजलि वर्मा एमपीओ कुलपति रजत पदक। कुलपति रजत पदक। अमित कुमार गुप्ता एमसीए कुलपति रजत पदक। प्रज्ञा भटनागर एलएलएम कुलपति रजत पदक। आदित्य शुक्ला बीटेक कुलपति रजत पदक। अमरदीप सिंह बीटेक कुलपति रजत पदक। निकिता पांडे बीटेक कुलपति रजत पदक। शशिराज सिंह बीटेक कुलपति रजत पदक। मुकुंद मित्तल एमबीबीएस कुलपति रजत पदक। सचिन यादव बीएससी नर्सिंग कुलपति रजत पदक। अमन गुप्ता बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कुलपति रजत पदक। मंजू सिंह सिरोही डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी कुलपति रजत पदक।
कविता सिंह एमए इतिहास मुख्यमंत्री कांस्य पदक, रचित श्रीवास्तव बीकॉम एलएलबी ऑनर्स मुख्यमंत्री कांस्य पदक कुलपति कांस्य पदक, हिमांशु वाजपेयी बीए कुलपति कांस्य पदक, मनीषा सिंह बीबीए कुलपति कांस्य पदक, प्रियाराज वर्मा एमए इतिहास कुलपति कांस्य पदक, प्रकृति शुक्ला एमए अर्थशास्त्र कुलपति कांस्य पदक, मानसी यादव एमए हिंदी कुलपति कांस्य पदक, प्रज्ञा सिंह एमए राजनीति विज्ञान कुलपति कांस्य पदक, प्रियांजलि एमए समाजशास्त्र कुलपति कांस्य पदक, अनुष्का सिंह एमए अंग्रेजी कुलपति कांस्य पदक, विकास विश्वकर्मा एमबीए कुलपति कांस्य पदक, शबनूर खान एमएसडब्ल्यू कुलपति कांस्य पदक, ज्योति चौरसिया एमए शिक्षा शास्त्र कुलपति कांस्य पदक, काजल सिंह बीकॉम कुलपति कांस्य पदक, अनुराधा शर्मा एमकॉम कुलपति कांस्य पदक, विशाल कड़ौजिया बीबीए कुलपति कांस्य पदक, आकांक्षा सिंह एमबीए कुलपति कांस्य पदक, धर्मेंद्र कुमार बीएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, निकेत दीक्षित बीएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, आकांक्षा कुशवाहा बीएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, पूजा बीएसएलपी कुलपति कांस्य पदक, नवनीत तिवारी बीपीओ कुलपति कांस्य पदक, पूर्णिमा पांडे एमएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, सुबिरन सेन एमएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, अभिनव कुमार एमएड विशेष शिक्षा कुलपति कांस्य पदक, चंद्रेश कुमार एमपीओ कुलपति कांस्य पदक, शिमायला कादरी एमएससी भौतिक विज्ञान कुलपति कांस्य पदक, खान इकरा शमीम एमएससी रसायन विज्ञान कुलपति कांस्य पदक, रजनी सिंह शेखावत एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कुलपति कांस्य पदक, ऋतिका दुबे एमएससी सांख्यिकी कुलपति कांस्य पदक, इशिता यादव एलएलएम कुलपति कांस्य पदक, शिवम प्रजापति बीटेक कुलपति कांस्य पदक, सचिन कुमार आर्य बीटेक कुलपति कांस्य पदक, उर्वशी मिश्रा बीटेक कुलपति कांस्य पदक, ऋषभ पोरवाल बीटेक कुलपति कांस्य पदक, वैभवी वाजपेयी बीटेक कुलपति कांस्य पदक, प्रगति यादव बीएससी नर्सिंग कुलपति कांस्य पदक,
गौरव अरोड़ा MBBS कुलपति कांस्य पदक। भद्रवीर सिंह BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कुलपति कांस्य पदक। रामकिशोर राठौर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी कुलपति कांस्य पदक। सभी कांस्य पदक। सदैव प्राप्त होता रहता है। श्रीमन अपने बीच आपको पाकर हम सदैव गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं श्री नरेंद्र कश्यप, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। बच्चों, आज बहुत बड़ा मौका है उपाधि वितरण का। इस अवसर पर आपका जोश थोड़ा सा दिखना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादश दीक्षांत समारोह में आज हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय राज्यपाल महोदया जी, मैं इस सभागार की तरफ से और अपनी तरफ से आज के उपाधि वितरण समारोह में आपके पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से भारत के प्रतिष्ठित हस्ती जो प्रथम पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, पद्म श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी का भी मैं इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कुलपति आचार्य संजय सिंह जी, प्रमुख सचिव श्री सुभाष शर्मा जी, सामान्य कार्य परिषद छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया बंधुओं का भी इस समारोह में बहुत अभिनंदन और स्वागत है। इस एकादश दीक्षांत समारोह में सम्मानित उपाधि धारकों एवं पदक प्राप्त कर्ताओं को मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार जिसका कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अत्यंत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, आप सबको उपाधि प्राप्त होने पर अनंत अनंत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी कामना है कि उपाधि प्राप्त सभी छात्र छात्राओं का भविष्य अत्यंत उज्जवल हो और जो भारत के प्रति परिकल्पना की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प की यात्रा में आपकी भूमिका, आपका सहयोग प्राप्त होगा। डॉक्टर सगुतला मिश्रा राष्ट्रीय प्रवास विश्वविद्यालय एशिया का, देश का ही नहीं बल्कि एशिया का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुख सुविधाओं में भी हमेशा
नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। विश्वविद्यालय में 8 संकाय एवं 2 संस्थानों के अधीन कुल 33 विभाग संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में 4,398 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिसमें 1,541 दिव्यांग विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है आप सबके मध्य ये कहते हुए कि एशिया के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के तरफ से हमेशा दिव्यांगजनों को उनके अनुपातिक आरक्षण की दृष्टि से हमेशा उनको स्थान दिया जाता रहा है, जिसका प्रतिफल कि आज भी लगभग 1541 विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। 1500 से अधिक दिव्यांग छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको निःशुल्क भोजन और छात्रावास की व्यवस्था कराने का सौभाग्य भी हमारे विभाग को मिलता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क अंग प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा विगत 1 वर्ष में कुल 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 राष्ट्रीय संगोष्ठी, 1 राज्य स्तरीय संगोष्ठी, 5 कैंप तथा 14 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारे विश्वविद्यालय ने सामाजिक क्षेत्र में अनूठे कार्यों की पहल की है। हमारी सरकार पंजीकरण एवं निःशुल्क परामर्श सेवा के माध्यम से अब तक 4,524 दिव्यांगों को लाभान्वित कर चुकी है। साथ ही इस केंद्र के द्वारा अब तक 3,950 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान किए जाने में भी हमने सफलता हासिल की है। विश्वविद्यालय में सेवा योजन रोजगार प्रकोष्ठ क्रियाशील है। विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को का केंद्रीय राज्य एवं अन्य सेवाओं जैसे उच्च शिक्षा, न्यायिक सेवा, निजी क्षेत्र में सेवा योजन हो रहा है। परिसर सेवा योजन कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के अब तक अनेकों विद्यार्थियों को प्लेसमेंट, टाटा कंसल्टेंसी, HCL, विप्रो टेक, महिंद्रा, जारो एजुकेशन जैसी विभिन्न संस्थाओं एवं अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनियों में समायोजित करने का भी अवसर हमारे विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। 200 से अधिक विद्यार्थियों को प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में नियुक्त किया गया है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए अध्ययन को सुगम बनाने के लिए ब्रेल लिपि भी इसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, जिसका लोकार्पण माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से संपन्न हुआ था। MPO की मान्यता भी प्राप्त है, जो देश में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में हम गौरव की अनुभूति करते हैं। हमारी सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु इस वर्ष 1637 करोड़ से भी अधिक का बजट सरकार के माध्यम से रखा गया है। दिव्यांगजनों को पेंशन देने हेतु हमारी सरकार की ओर से 1170 करोड़ से भी अधिक धनराशि की व्यवस्था
हमारी सरकार की ओर से की गई है, मुझे प्रसन्नता है। आपके बीच में ये कहते हुए और माननीय राज्यपाल महोदया जी के समक्ष अत्यंत प्रसन्नता है कि 2017 से पहले दिव्यांगजनों को भरण पोषण की राशि के रूप में मात्र 300 रुपए प्रति माह भरण पोषण की राशि उत्तर प्रदेश में निर्गत की जाती थी, परंतु आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अस्तित्व में आई है, इस धनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह करने का फैसला हमारी सरकार में लिया गया। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए 37 करोड़, दुकान निर्माण संचालन के लिए 10 करोड़, दिव्यांगजनों को निःशुल्क बस यात्रा के लिए 40 करोड़ का बजट भी हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। कुष्ठावस्था पेंशन के लिए 37 करोड़ और शल्य चिकित्सा के लिए 8 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था हमारी सरकार की ओर से की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में इस वर्ष पैरा ओलंपिक खेलों में 29 पदक जीते हैं हमारे साथियों ने, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत एवं 13 कांस्य पदक शामिल हैं। दिव्यांग वह होता है जो दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है, इसके उदाहरण अनेकों हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक नाम मैं आपके बीच में उद्धृत करते हुए प्रश्नचित्त हो रहा हूं कि 2 वर्ष की अल्पायु से दृष्टि बाधित जगत गुरु आदरणीय राम भद्राचार्य जी का नाम विश्व पटल पर अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। आपकी जानकारी में है कि आदरणीय जगत गुरु जी ने दृष्टि बाधित होने के उपरांत भी 240 किताबों का लेखन और 22 भाषाओं का ज्ञान अर्जित करके चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। मुझे प्रसन्नता है इस मंच से कहते हुए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया था, जिसकी वर्तमान कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है, जगत गुरु जी ने योगी जी की सरकार से प्रभावित होकर अपना वो 500 करोड़ की वैल्यू का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के संचालन में दे दिया है। ये है दिव्य लोगों की शक्ति का प्रताप, ये है दिव्यता का एक बहुत बड़ा प्रणाम हमारे सामने। हम सबको याद होगा कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में पद्मश्री दीपा मलिक ने भारत का प्रथम महिला पैरा ओलंपिक पदक जीतकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। आगरा की एक दिव्यांग बच्ची ने, जिसका नाम हिमानी बुंदेला है, करोड़पति आयोजन में 1 करोड़ रुपए जीतकर दिखा दिया कि दिव्यांग बच्चे बच्चियां किसी से कम नहीं है। हमारी सरकार ने छात्रों को इस वर्ष लगभग 7.5 सालों में 1,40,00,000 लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित करके छात्र छात्राओं के जीवन को उन्नत करने के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। हमारी सरकार के माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बड़ी योजना को शुरू करके डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास योगी जी के सरकार में किया गया है। शादी अनुदान के रूप में हम दिव्यांग दंपति को 35,000 की धनराशि अपने विभाग के माध्यम से पुरस्कार के रूप में जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विभाग 19 विशेष विद्यालय एवं 6 समेकित विद्यालयों को संचालित कर रहा है। दिव्यांग आयुक्त दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए
सदैव तत्पर रहता है। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से हम दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान उनके जनपदों में जाकर सकारात्मक रूप से करने में कामयाब हो रहे हैं। संचालित पिछला वर्ग कल्याण विभाग के संदर्भ में भी मुझे आपके बीच कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर पिछड़े वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति और सुखपूर्ति पूर्ति देने के लिए 2475 करोड़ की धनराशि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में खर्च की जा रही है, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्गों के बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को शिक्षित करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस एकादश दीक्षांत समारोह में उपाधि धारकों एवं पदक प्राप्तकर्ताओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि आप सब अपने रास्तों पर अपनी मंजिलों पर आगे बढ़कर देश और समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। विश्वविद्यालय के समस्त प्राचार्यों से आग्रह करता हूं, कुलपति से आग्रह करता हूं कि दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए जो कुछ भी किया जाना अपेक्षित हो आप उसमें आगे बढ़िए। योगी मोदी की सरकार दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए और छात्र छात्राओं के जीवन को उन्नत करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाली है। दिव्यांगजनों के साथ साथ सामान्य बच्चों के जीवन को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि कारवां गुजरे होंगे हजारों इन रास्तों से, लेकिन अभी तो हमारा मुकाम बाकी है। चल पड़े हैं अपने रास्ते, अभी तो पूरा जहान बाकी है, अभी तो नापी है जो जमी हमने, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है। आसमान को नापने के लिए मैं अपने देश की भावी आशाओं से, अपने बच्चों से, छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि आप अपनी मंजिल पर, अपने मकसद पर आगे बढ़ते चलिए। महोदय, आपके संबोधन हेतु तो बहुत बहुत आभार। बाधाएं न रोक सकी जिस व्यक्ति की उड़ान को से, मील का पत्थर बना वह व्यक्ति अपनी पहचान से। 1 नवंबर उदित हुआ एक सितारा अग्नि पर, चंदू चैंपियन पहचान बना भारत माता की धरती पर। देश हित जो लड़ा धरा पर, देश हित जो लड़ा धरा पर, नमन उस पदम विजेता को, हम हृदय सुमन पहनाएंगे उस दिव्यांग शिरोमणि चेता को। किया उसने जो कोई कर न सका, किया उसने जो कोई कर न सका, पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता को, दिव्यांग रतन तन मन अर्पण उस श्रद्धा सुमन शिचेता को। जी हाँ, मैं चंदू नहीं चैंपियन हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीयुत मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी की उपलब्धि वृत्त को आपके आगे साझा कर रही हूँ। प्रोफाइल ऑफ द चीफ गेस्ट पद्मश्री श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी। फियर हैज नो प्लेस इन माई लाइफ। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। इफ माई एफर्ट्स हेल्प द ट्राई कलर गो अप, देयर कैन बी नो ग्रेटर पब्लिसिटी or recognition than that. It is indeed a matter of great pride and privilege to introduce Padma Shri Shri Mullikant Rajaram Petkar, whose contribution to the world is as India's first Paralympic gold medalist and a true symbol of courage, resilience and excellence. Mr. Petkar was born on 1st November 1944 in Islampur, Sangli district, Maharashtra. Mr. Petkar's life is an inspiring testament to the strength of the human spirit. Mr. 1972, setting a new world record in the 50-meter freestyle swimming event with a remarkable time of 37.33 seconds. His victory not only marked a historic moment for India, but also highlighted his dedication and sheer willpower despite the tremendous challenges he faced.
Throughout his sporting career, Mr. Petkar won numerous laurels for our country, including victories in international events like the Stoke Mandeville Game in England and the Commonwealth Paraplegic Games in Edinburgh, where he constantly surpassed his own achievements. His commitment to sports, which began at a very young age, has left a lasting legacy in the discipline, ranging from swimming to javelin throw and shot put. However, Mr. Petkar's journey was not without hardship. As a soldier in the Indian Army, he served with valor in 1965 Indo-Pak War, where he sustained severe injuries including multiple gunshot wounds and a grievous injury to his spine. Yet despite these setbacks, his perseverance shone through, leading him to become a multi-sport champion. Mr. Petkar's exceptional achievement earned him Maharashtra's highest sporting honor, the Shiv Chhatrapati Award in 1975, and he was further recognized by the nation when he was awarded the Padma Shri, which is India's fourth highest civilian award, by the then President of India, Shri Ram Nath Kovindji, in 2018. Today, as we celebrate his outstanding contribution to sports and his extraordinary courage, a significant milestone was celebrated on 14th June 2024 with the global premiere of his biopic, Chandur Champion. The film will bring Mr. Petkar's inspiring story to even more people, ensuring that future generation continues to be motivated by his unwavering determination. Let us take this opportunity to not only mention his accomplishment, but also to draw inspiration from his incredible journey of triumph over adversity. Sir, we are honored to have you today with us. Mana, tan se main divyang hoon, par kya main tumse kam hoon? Hamare soch mein jo faasle hain, wajah mere buland hausle hain. Lachar nahi, main saksham hoon. Kisne kaha main tumse kam hoon? अपनी दृढ़ता का सबूत हम भी दे आए हैं, मेडल हमने भी तो कई लाए हैं। चाही तो है जीवन की सरिया, अंग तो बस उन्हें पूरा करने का एक ही जरिया है। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को उनके दीक्षांत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। बोल भारत माता की वंदे। आज का दीक्षित को कार्यक्रम हो गया, इसके लिए जो जिनको आज गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उनको मैं पहले कांग्रेचुलेशन देता हूँ। दूसरी बात, अभी मंत्री महोदय साहबान आचार्य संजय सिंह साहब, इन्होंने अपने देश, मैंने अपने स्टूडेंट में क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया, ये सब सब बता दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ। अभी देखो, इतना अच्छा कार्यक्रम ये है और जिसमें पूरी स्टोरी अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, मंत्री महोदय ने अपने स्टेट की सब ये की, लेकिन मैं दूसरा स्टेट से आया हूँ और आकर आप लोगों को पावती दे देते हैं, जो आप लोगों ने क्या काम किया है उसके पावती। तो सबसे पहले पावती ये है, मैं पूरे इंटरनेशनल, पूरे भारत देश में हर एक जगह में जाकर आ चुका हूँ, लेकिन अपंग और इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है इतने अच्छे हैं कि दुनिया में और दूसरे यूनिवर्सिटी कोई नहीं। ये यूनिवर्सिटी का जगह 131 एकड़ जमीन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अभी भारत ने 29 मेडल लाए हैं ओलंपिक में, इसमें अपने जो लखनऊ से यूनिवर्सिटी से जो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड दिया गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी मंत्री महोदय का आवेदन दे रहा हूँ, थैंक्स। क्योंकि इतना अच्छा ग्राउंड, इतना अच्छा, कोई बदले और मैं
खुद ऐसा क्योंकि इंडिविजुअल जाकर खुद आप यूनिवर्सिटी में घूमा हूँ बारिश से फिर भी सब घूम कर सब तलाशी की। एक्चुअली जवान को हैंडीकैप को क्या प्रॉब्लम है वो खुद देखने से मालूम पड़ता है, इसके लिए मैं खुद जाकर घूम। आपके यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस पूछो बस सब सुनिए। और दूसरा बात क्या है, हर जगह में स्टूडेंट अच्छे हैं लेकिन कोच अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने चेक किया कुछ भी जाए तो उसमें मुझे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे लगे और स्टाफ भी वो कोच भी अच्छे लगे। इसके लिए मैं कोच और स्टूडेंट का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ एक चीज़ की कमी है तो मंत्री महोदय और राज्यपाल सिंह राज्यपाल सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक बात पहले बता दूँ, मैं एक ओलंपिक का ये सब मेडल लाख क्यों डाल कर आया इसके लिए कि दिव्यांग जो अभी मेरा उम्र है 84 उम्र में भी गोल्ड मेडल लाने के लिए अपने देश के लिए तड़पते हैं। तो मैं आप लोग इतने सब सभी हैं तो आप लोगों ने इसमें कितना मेरे पद्मश्री देगा हाथ खड़े करो, पद्मश्री किसने देगा? अरे आपके स्टेट में जो दीपा मलिक जो आपके स्टेट में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेडीज में आया और मैं जेस में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया वो आती हूँ। और आप लोगों को पद्मश्री और ओलंपिक का गोल्ड मेडल देखने के लिए नहीं मिला तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ से सीधे से भी इसलिए गोल्ड मेडल और ये लगाता हूँ कि आप लोग भी ऐसा देखकर अपना इसके लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और अपना देश का नाम ऊंचा करने कर देंगे मेडल कर मुझे। और जैसे कि मैं अभी बोला कि बताऊँ बाद में तो मैं मंत्री महोदय से राज्यपाल सिंह सर और पार्षद सर से अपने ये यूनिवर्सिटी में जो कि मैं सब कुछ है यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिए हैं तो देखो ये एक राज्यपाल साहब और मंत्री महोदय साहब से हैंडीकैप सबके लिए ये स्विमिंग पूल देने से अपना देश का काम जगह प्रैक्टिस लोगों में और आप लोग गोल्ड मेडल लेकर आएंगे ये मुझे उम्मीद है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्विमिंग पूल एक आपके अंदर में हो। और देखो एक मेरा एक सिर्फ छोटा सा पत्र है, हैप्पी डे द बेस्ट डेट। सब आप पढ़े लिखे भी सब है हैप्पी डे से बेस्ट डेट तो ये निपट कर कर कभी हारने के नहीं। मैं इतना टाइम पे कभी खेलने के लिए गया कभी भी हारा नहीं। आपने चतुर चैम्पियन विक्टर भी किए हुए तो आप लोग भी भाजप बढ़िए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी जो है आप लोग अपना देश के लिए अपना स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लेकर जाए। जैसे दीपा पहले के लिए लीडिंग में पहले गोल्ड मेडल आया, देश में मैं महाराष्ट्र हूँ मैंने गोल्ड मेडल आया तो आप लोग यूनिवर्सिटी में उतना भी गोल्ड मेडल लाएगा हाथ खड़ा करो जाएगा ओलंपिक के लिए स्टूडेंट में देखो गुड। और एक जाते जाते एक पत्र छोटा आप लोगों ने टेक्निकल ये सीखे हैं टेक्निकल जापानीज टेक्निकल सीखे हैं अभी आप इसमें ये इतने सब बैठे इसमें कितना आदमी फिटा है मैं एक मिनट में बता दो। देखो मेरे हाथ के अंदर दो आप ये कर रहे कि जब तक है देखो देखो अंगुली सब अलग अलग होते गए देखो जिससे आपका दिमाग सब शरीर का कंट्रोल ये अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो आपको सब कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरा बात मैं अभी इधर शाम तक हूँ सब कुछ हो किसी और दूसरा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे और कुछ हुई जो स्टूडेंट आए हैं उनके
पेरेंट्स भी इधर ये प्रोग्राम दिलाए उनके लिए पैराचार और बच्चे लोगों को जो ट्रेनिंग ये सब करते तो उम्र 14 तक उनको कोई जबरदस्ती नहीं करो पर हमेशा पालक लोग जो उनको बोलते हैं लड़का को तुम डॉक्टर बन जाओ तुम इंजीनियर बन जाओ ऐसा जबरदस्ती मत करो जब बच्चा 14 साल का उम्र का हो गया तो उसको जो भी लाइफ में जाना मांगता है उनको छोड़ दो और जो किसी को कोई एक आना मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूछ लीजिए एनी क्वेश्चन बोलो धन्यवाद कुलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें तथा मैं मंचस गणमान अतिथियों से भी दीक्षांत स्मारिका के विमोचन हेतु अनुरोध करती हूँ धन्यवाद मंचस्तर मानतिगर आप अपनी कुलाध्यक्ष महोदया की गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय कुलाध्यक्ष महोदया जी की एक दूरदर्शी संकल्पना के अनुरूप उच्च शिक्षा परिसर में भविष्य के भारत का प्रतिनिधित्व कर रही बालिकाओं का एक समूह हम सब के समक्ष उपस्थित है जिन्हें देख जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियों का स्मरण हो आया आज भी है क्या नित्य किशोर उसी क्रीड़ा में भाग विभोर सरलता का वह अपनापन आज भी है क्या मेरा धन तुम्हारी आँखों का बचपन तुम्हारी आँखों का बचपन।